ये हंसते हुए फूल। वो जो मेरे पीछे आया था वो शायर है जूही, वही शायर जिसकी नज़में मैं रद्दी वाले से लाई थी। मेरी नज़मों की फाइल कहाँ? औरतों को क्या दीदे दिखाते हो? मैंने वो रद्दी दस्ताने में बनिया को बेच दी। समाज की दुनिया सौदा खरीदने आई थी, कापियों पे जो नजर पड़ी गौर से देखा और ले गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी मैगजीन में सिर्फ मशहूर शायरों की चीजें छपती हैं, किसी नौसिखिए की बकवास नहीं। तंगा चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने मिस्टर घोष से ब्याह किया। मेरा ख्याल था आपने ये मेरी नज़में छापने के लिए बुलाया था मुझे। छापने के लिए? उसके लिए अभी बहुत वक्त है। नौकरों के होते हुए तुम क्यों तकलीफ करती हो डियर? लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में? मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब। हमने अपने शायरी दुनिया तक पहुंचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन जानती हूँ दुनिया ने उसका क्या मोल लगाया। रद्दी के चंद टुकड़े जो 10 आने में बेचे गए। लाश इस बुरी तरह से कट चुकी थी कि शक्ल पहचानना भी नामुमकिन हो गया। चाहूँ तो आपके मुर्गे को पहचान कर विजय बना दूँ, और चाहूँ तो उसे ना पहचान कर पागल खाने का टिकट कटवा दूँ। तुम हमारा कहाँ के भाई हो? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। मैं दौलत पानी की तरह बहा दूंगा, हर शख्स को खरीद लूंगा, लेकिन ये साबित नहीं होना चाहिए कि ये विजय असली विजय है। मैंने आपसे कहा ना मैं विजय हूँ। मेरी जिंदगी की सारी पूंजी है ये, इन्हें छपाने की कीमत मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।